hi everyone welcome back to noscript so let's solve today's lead daily challenge which is minimum falling path sum 2 right so let's first read the problem statement okay so before reading the problem statement guys i hope you submitted your yesterday's problem we couldn't make a video but i hope you have already solved that problem and submitted it so now let's see today's problem and let's try to read the problem statement given an n cross n integer matrix grid return the minimum sum of the falling path with non-zero shifts अ चॉइस ऑफ़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम इच रो ऑफ ग्रिड सच दैट नो टू एलिमेंट चूजन इन रोज़ आर इन द सेम कॉलम राइट सो दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हमें बोला है और कैसे हम इसको सोल्व करेंगे राइट सो लेट्स गो टू द बोर्ड एंड लेट्स में हमें गिवेन है कि ग्रिड गिवेन होगी राइट right? हमें ग्रिड गिवेन होगी और हमें कुछ फॉलिंग पाथ मिनिमम फॉलिंग पाथ निकाल रहा है मिनिमम फॉलिंग पाथ की इन्होंने एक कंडीशन दी है क्या कि अगर एडजस्ट एंड रोज से आप एलिमेंट्स उठा रहे हो एडजस्ट एंड रोज से अगर आप एलिमेंट्स उठा रहे हो तो डिफरेंट कॉलम से उठाने हैं तो डिफरेंट कॉलम से उठाने हैं अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलू तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोला गया है मान लो कि मैंने वन उठाया तो नेक्स्ट जो एलिमेंट मैं लूंगी फ्रॉम द नेक्स्ट रो मैं फोर नहीं पिक कर सकती आई कैन पिक फाइव एंड सिक्स राइट तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉसिबल वैलिड आंसर लिखे हैं और कौन कौन से इनवैलिड है मैंने वो भी लिखा है राइट तो अगर मैं बात करूं कि मैं यहां से वन ले लेती हूं यहां से फाइव ले लेती हूं हूं और यहां से ले लेती सो दिस इज अ वैलिड पाथ कि मैंने जो नेक्स्ट रो का एलिमेंट है वो सेम कॉलम वाला नहीं लिया है राइट तो एक तो ये हो गया सो दिस इज वैलिड अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है वन सिक्स और सेवन ये भी वैलिड है कि अगर ये दोनों सेम कॉलम में है लेकिन एडजेसेंट रोज का सेम कॉलम नहीं है ये एडजेसेंट एडजेसेंट ये वाली रो है और इसकी एडजेसेंट ये वाली रो है राइट right? तो ये भी हमारा सही है वैलिड पाथ है अगर मैं इसकी बात करूं तो थ्री फाइव सेवन है थ्री फाइव सेवन भी क्या है वैलिड है क्योंकि सेम कॉलम में नहीं है एडजस्टेंट रोज के अंदर अब अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने वन लिया फोर लिया और नाइन वन uh, लिया फोर लिया और नाइन लिया तो अगर आप देखो तो एडजस्टेंट रोज के अंदर सेम कॉलम से हमने एलिमेंट्स को पिक किया दैट मीनस दिस कैन नॉट बी आर वैलिड आंसर राइट नेक्स्ट वाले की बात करूं तो थ्री सिक्स और नाइन सारे ही एक कॉलम में है सारे एडजस्टेंट रोज के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने सेम कॉलम से पिक के हैं दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है वैलिड आंसर नहीं हो सकता राइट right? तो ये हमारे वैलिड है आई होप यू नो नाउ द डिफरेंस कि कौन कौन से हमारे वैलिड हैं और कौन कौन से इनवैलिड हैं तो अगर आपने किसी रो से एक एलिमेंट उठाया है मान लो आपने थ्री यहां से उठाया है तो यू कैन नॉट पिक सिक्स राइट आपको नेक्स्ट फोर या फाइव में से ही उठाना पड़ेगा राइट right? एंड इन ऑल वैलिड हम सबका सम निकाल रहे होंगे राइट right? इन सबका जो भी मिनिमम आंसर होगा वो हमें एज एन आंसर रिटर्न करना है तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आप मिनिमम का मिनिमम ठीक है तो ये सारे ये कुछ आपके वैलिड पॉसिबल आंसर्स हैं और भी हो सकते हैं और आउट ऑफ ऑल दीज आपको क्या करना है? आपको करना है तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर नाउ तो अब प्रॉब्लम को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम में हमें क्या बोला है कि आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट रो से आपको फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है एंड फर्स्ट रो के बाद आप क्या करोगे आप अपने एडजस्टेंट रो में जाओगे आप अपने एडजस्टेंट रो में जाओगे लेकिन उस एडजस्टेंट रो के अंदर एक कंडीशन लगाइए क्या कि हमारी डिफरेंट कॉलम होनी चाहिए राइट तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको ब्रॉड लेवल पे समझें तो इसका मतलब क्या है कि हम पहली रो से तो वन टू थ्री तीनों ही सेलेक्ट कर सकते हैं इट right? हमारे पास पहली रो के लिए तीन चॉइसेस हैं वन टू और थ्री ठीक है अब अगर हमने वन चूज कर लिया है तो नेक्स्ट रो के लिए हमारे पास दो चॉइस बची कौन कौन सी फाइव और सिक्स अगर हमने फर्स्ट रो से टू चॉइस किया है तो नेक्स्ट नेक्स्ट रो रो में रो के लिए हमारे पास फोर और सिक्स की चॉइस बची राइट थ्री के लिए अगर हमने थ्री चूज किया है तो हमारे पास फोर और फाइव बची सिमिलरली फाइव चूज किया है तो आपके नेक्स्ट ये वाले दो एलिमेंट्स होंगे राइट आपने सिक्स चूज किया है तो सेवन और एट होगा आपने फोर चॉइस की है तो अगेन राइट right? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको हर एक रोक में कुछ चॉइसिस दिख रही है कुछ चॉइसिस दिख रही है कि आप इस वन को ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो एज योर आंसर राइट हो सकता है कि वन आपके मिनिमम फॉलोइंग पाथ में कॉन्ट्रीब्यूट करे हो सकता है ना करें राइट सिमिलरली फॉर टू सिमिलरली फॉर थ्री तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे क्या है चॉइसिस हम बना पा रहे हैं और जैसे ही हमारी चॉइसेस की बात होती है तो हमारा क्या आ जाता है रिकर्जन हम उसको सबसे पहले तो रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं इजी होगा क्योंकि चॉइसेस हैं हमारे पास तो हम एक रिकर्सिव फॉर्मूला बना के हम अप्लाई कर सकते हैं राइट सेकेंडली क्या होगा डीपी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे बिकॉज देर आर कंडीशन देर आर चॉइसेस गिवन टू अस राइट सो आई होप इतने इतना पार्ट क्लियर है अब जब भी हमारा डीपी का क्वेश्चन आता है तो जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ ट्री जिससे कि आपको समझ आए क्लियरली कि कौन कौन से चॉइसेस हैं जैसे मैं यहाँ पे आपको एक ट्री बना के दिखाना चाह रही थी कि फर्स्ट चीज में आपके पास ये भी चॉइस है ये भी है, ये भी भी चॉइस चॉइस है है सेकंड में आपके पास चॉइसेस लिमिटेड हो गई है क्या कि आप सेम कॉलम वाले एलिमेंट को नहीं पिक कर सकते फ्रॉम दी नेक्स्ट रो तो आपके पास ये दो चॉइस बची ये दो चॉइस बची ये दो चॉइसेज बची राइट right? तो आई होप इतना सबको क्लियर है अब एक बार देखते हैं कि इस ग्रिड की हेल्प से कैसे हम ये ट्री बनाएंगे राइट right? ओके okay. तो मैंने आपको क्या बोला मैंने आपको बोला कि आपकी फर्स्ट रो में कोई कंडीशन नहीं है आप फर्स्ट रो से कोई भी एलिमेंट पिक कर सकते हो so, इसका मतलब क्या हुआ वन भी पिक कर सकते हो टू भी पिक कर सकते हो थ्री भी पिक कर सकते हो दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि जब आप नेक्स्ट रो पे जाओगे तो अगर आपने वन पिक किया है तो नाउ यू कैन नॉट चूज फोर फ्रॉम द नेक्स्ट रो बिकॉज इट इज इट लाइज इन द सेम कॉलम राइट तो आपको फाइव और सिक्स चूज करना पड़ेगा मतलब फाइव और सिक्स में से आपका कोई एक आप, आपके आंसर में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टू के लिए आप क्या कर रहे हो फोर और सिक्स आपके पास चॉइस होगी थ्री के लिए आपके पास फोर और फाइव होगी बिकॉज सिक्स लाइज इन द सेम कॉलम अगर मैं फाइव की बात करूँ तो सेवन और नाइन सिक्स की बात करूँ तो सेवन और एट फोर की बात करूँ तो एट और नाइन एंड सो ऑन तो ये हमने क्या किया एक ट्री एक हमने ट्री बना लिया रिकर्सिव ट्री राइट right? रिकर्सिव ट्री बन गया अब इस पाथ से भी आपके पास कोई आंसर आ रहा होगा विच विल बी थर्टीन इस पाथ से भी आपके पास कोई आंसर आ रहा होगा विच इज फिफ्टीन इस पाथ से भी कोई आंसर आ रहा होगा विच इज फोर्टीन इस पाथ से भी एक आंसर आ रहा है विच इज फिफ्टीन Right? So राइट तो आउट ऑफ ऑलर्स को रिटर्न कर दिया तो so यही आपका बस इतना ही है अब हम इस ट्री का यूज करके अपना रिकर्सिव फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि पहली रो में आपके पास चॉइस है लेकिन आप सारे एलिमेंट्स को पिक कर सकते हो राइट right? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेकेंड रो के लिए आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है क्या कि आप सेम कॉलम वाले एलिमेंट को पिक नहीं कर सकते तो अब इसका एक बार रिकर्सिव सोल्यूशन या फिर काइंड ऑफ सूडो कोड लिखने की कोशिश करते हैं ठीक है मान लो कि मैं एक फंक्शन ले रही हूँ जो कि हमें क्या ला के देगा हमारा मिनिमम ला के देगा गेट मिनिमम राइट तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं मैं आई की वैल्यू जीरो की वैल्यू है राइट right? तो जीरो रो के लिए मैं कोई भी एक वैल्यू चूज कर लूंगी और अपने गेट मिनिमम को बता दूंगी कि मैंने एक वैल्यू ऑलरेडी चूज कर लिया नेक्स्ट तुम संभाल लो राइट right? तो मैंने क्या बोला कि मैं इन तीनों में से कोई एक वैल्यू पहले ही चूज कर लूंगी और मैं बोलूंगी कि कि ग्रिड प्लस मैं मैं अपने गेट मिनिमम को को बोलूंगी मैंने मैंने एक मैंने मैं एक एक वैल्यू उठा उठा ली है इनमें से बार इन तीनों को उठा के देखूंगी और आगे का तुम संभाल लो तो अब ये गेट मिनिमम क्या करेगा जीरो थ्रो तो आपने ऑलरेडी यहां पे हैंडल कर लिया ये फर्स्ट रो पे जाएगा और फर्स्ट रो से हैंडल करना शुरू करेगा राइट right? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस फंक्शन के अंदर ग्रिड की भी जरूरत पड़ेगी हमें फर्स्ट रो की भी जरूरत पड़ेगी राइट right? कि हम कौन सी रो में ओके okay, एक चीज की और हमें जरूरत पड़ेगी क्या कि आपने पहला जो एलिमेंट उठाया है वो कौन से कॉलम से उठाया है तो आपको यहाँ पे आई की भी जरूरत पड़ेगी बिकॉज अब जब आप एलिमेंट चूज करोगे तो आप वो सेम वो सेम कॉलम में एलिमेंट चूज नहीं कर सकते राइट right? तो अगर मैं इसको क्लियरली लिखूँ तो एक गेट मिनिमम फंक्शन होगा जो कि आपका ग्रिड ले रहा होगा और आपका रो ले रहा होगा और आपके एक प्रीवियस कॉलम मेंटेन करेगा कि ओके प्रीवियस कॉलम हमने ये वाली चूज की है परफेक्ट अब होगा क्या क्योंकि हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं राइट right? हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है अब हमें एक मिनिमम यहां पे सम मेंटेन करना पड़ेगा जो कि मिनिमम सम होगा राइट क्योंकि मिनिमम निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू आप मैक्स से इनिशियलाइज कर दोगे क्लियर है ये भी हो गया अब हम क्या करेंगे अब हम इस एलिमेंट के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए अगर मैं जीरो पिक किया है तो हमारे पास चॉइसेस तीन है जीरो वन टू लेकिन इस वाले को हम नहीं पिक कर सकते क्यों क्योंकि यहां पे रिस्ट्रिक्शन है कि सेम कॉलम को आप पिक नहीं कर सकते तो अब मान लो कि आपके पास 500 हंड्रेड रो फाइव कॉलम्स होती तो आप एक एक तो नहीं लिखोगे राइट तो आप अगेन क्या करोगे कि आप इस वाली रो के लिए फर्स्ट रो के लिए भी आप क्या कर रहे हो एक लूप चला दे रहे हो कितना आई की वैल्यू जीरो से लेके आई की वैल्यू जीरो से लेके आई लेट्स से एन हम एज्यूम कर रहे हैं प्लस प्लस लेकिन यहां पे एक कंडीशन है क्या कि अगर आपकी ये वाली आई

हम मिनिमम हम मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर पॉइंट पे मिनिमम निकालते चलें प्लस अब हम क्या बोलेंगे कि जैसे इसने बोला था ना कि मैंने एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है अब गेट मिन तुम आगे की चीजें संभाल लो तो ये भी क्या बोलेगा कि ग्रिड रो प्लस आई मैंने ले लिया है राइट प्लस प्लस आगे का गेट मिनिमम तुम संभाल लो तो गेट मिनिमम को इसने क्या बताया कि मैंने प्रीवियस कॉलम ये वाला लिया है तो हम आई पास कर देंगे और साथ में हम रो प्लस वन पास कर देंगे कि आगे वाली रो के लिए भी तुम आगे कैलकुलेशन करो एंड फाइनली हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे मिनिमम सम तो आई होप ये चीज़ क्लियर है सबको राइट right? तो बहुत इजी था पहले हमें पता है कि हमारी तीनों चॉइसेस अवेलेबल हैं तो इसने क्या बोला कि मैं मेरी मेरे पास सारी चॉइसेस हैं मैं एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रही हूँ आगे का तुम गेट मिनिमम संभाल लो अब गेट मिनिमम के पास आए गेट मिनिमम भी सेम काम कर रहा है अगर आप देखो तो सेम ही काम है मिनिमम सम ये भी मेनटेन कर रहा है और ये क्या बोल रहा है कि ठीक है मैंने भी इस बार अपना उठा लिया एक एलिमेंट और आगे का तुम संभाल लो राइट तो हमने ये चीज़ की तो एक बार इसको कोड करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो क्या बोला कि हमने एक फॉर लूप चला रहे हैं कॉलम्स के लिए हम चलाएंगे तो ग्रिड जीरो डॉट लेंथ और i++ क्योंकि जीरो 0th कॉलम है ठीक है और एक मिनिमम सम वेरिएबल मेंटेन करना पड़ेगा जो कि हमारा आंसर को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा तो मिनिमम सम मैंने मैक्सिमम से इनिशियलाइज कर दिया सो मिनिमम सम इज इक्वल्स टू हमें मिनिमम निकालना है तो डॉट मिनिमम ये राइट right? मिनिमम जो भी मिनिमम होगा प्लस अब ये क्या बोलेगा ये जो मेन फंक्शन है ये बोलेगा कि ठीक है मैं पहले जो रो में तीनों वैल्यूज है मैं तीनों के लिए कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो और बाकी का काम है पहली रो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं तो तुम वन रो कराओ और मैंने जो प्रीवियस कॉलम मतलब जो इस बार मैंने कॉलम सेलेक्ट किया वो मैंने आई सेलेक्ट किया है तो ये करके ये क्या करेगा मिनिमम सम को रिटर्न कर देगा यहाँ से परफेक्ट राइट right. अब हमें क्या करना है इस गेट मिनिमम की फंक्शनैलिटी लिखनी है तो ये क्या करेगा यहाँ आएगा फंक्शन बना लेते हैं जो कि इंटीजर ही रिटर्न करेगा गेट मिनिमम राइट ग्रिड हमने पास किया है इसको कॉमा हमने एक रो पास किया है और हमने कॉलम भी पास किया है जो कि प्रीवियस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है अब देखो गेट मिनिमम भी अल्टीमेटली करेगा तो यही वाला काम देखो इसके पास सारी चॉइसेस थी जब मिनिमम फॉलिंग पाथ सम आया तो इसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ये पहली रो से कोई भी एलिमेंट पिक कर सकता था तो हमने ये लूप लगा के इसको कर दिया अब दूसरी ये भी तो यही से, से, सेम काम करेगा बट एक कंडीशन है यहाँ पे क्या ये भी सेम काम करेगा लेकिन इसके पास एक कंडीशन है क्या कि अगर अगर हमारा जो आय है जो हम कॉलम्स के लिए लूप चला रहे हैं वो इजिक्वल टू इजिक्वल टू प्रीवियस कॉलम है तो उसको स्किप कर दो उसको स्किप कर दो वी डो डो नॉट वॉन्ट टू सेलेक्ट दैट एलिमेंट क्योंकि वो सेम कॉलम में लाइक कर रहा है ठीक है बाकी हमें यहाँ क्या करना है हमें नेक्स्ट रो के लिए कॉल कराना है अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो जीरो वाली रो के लिए हमने कैलकुलेशन की थी और हमने फर्स्ट वाली रो के लिए चला दिया था अब यहाँ पे हमने रो के लिए कैलकुलेशन की है और रो प्लस वन के लिए चला दिया है राइट और यहाँ पे क्या करना है रो आई को हमने एड करा लिया है एंड फाइनली मिनिमम सम को रिटर्न कर दो अब एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि आपका ये रो प्लस वन क्या करेगा लास्ट में पहुंच जाएगा कहां पहुंच जाएगा लास्ट में क्योंकि आप हर बार इंक्रीमेंट कर रहे हो तो अगर आपका रो इज इक्वल टू इज इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ हो जाता है तो आप उस केस में क्या करो जीरो रिटर्न कर दो जीरो क्यों क्योंकि जब आप यहां से जीरो रिटर्न करोगे तो जीरो इसमें ऐड होगा तो इट विल हैव जीरो इम्पेक्ट ऑन दिस सम राइट एंड नाउ आप क्या करो एक बार इसको रन करा के देखो इतना ही था बस पहली रो के लिए आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल थे तो आपने लूप चला दिया दूसरे के लिए आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन थी तो आपने वो रिस्ट्रिक्शन इसमें अकोमोडेट कर दी तो लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ इट इज रनिंग एंड अब जब आप इसको सबमिट करोगे टीएल आपको ये देगा ठीक है टीएल क्यों देगा तो अगर आप ध्यान से देखो आप हर एक एलिमेंट के लिए आप बाकी सारी चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हो तो लेट्स से कि अगर आपका जो मैट्रिक्स का साइज है वो एम क्रॉस एन है राइट तो आप हर एक एलिमेंट के लिए आप इसके लिए भी इसके लिए भी इसके लिए भी एन चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हो राइट एन एक्सप्लोर कर रहे हो तो ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो इसीलिए यहां पे क्या होगा ये देगा राइट right? तो क्योंकि टीएल अब हम क्या कर सकते हैं बट ट्री पे जाके देखते हैं अगर आप इस ट्री के अंदर ध्यान से देखो तो ये फोर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो तो आप यहाँ पे फोर क्यू कैलकुलेट करोगे नीचे से तो आंसर वही आ रहा है ना नीचे से वही कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर आपने एक बार ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो वाई आर वी कैल्कुलेटिंग दिस अगेन राइट तो यही पे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आता है मेमोराइज करने का कॉन्सेप्ट आता है क्या कि हम जो भी हमने कैलकुलेट किया है उसको स्टोर करके रख लेंगे एंड जब भी हम फ्यूचर में उस वैल्यू को एनकाउंटर करेंगे हम उसको यूज करेंगे राइट तो इसीलिए हम यहाँ पे अब क्या लगाएंगे डीपी लगाएंगे तो लेट्स गो टू द सोल्यूशन अब देखो डीपी कैसे लगाते हैं कि यहाँ पे दो रोज दो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं राइट एंड इन दोनों पैरामीटर्स को चेंज होने के लिए हमें एक टू डी डी बनानी पड़ेगी टू डी टेबल बनानी पड़ेगी तो देखते हैं कि हम कैसे डीपी टेबल बनाएंगे हमें पता है कि पहला हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड कॉलम को दैट मीन्स की एक टू डी डी की जरूरत पड़ेगी जिसका जो साइज होगा वो सेम होगा जो ग्रिड का साइज है राइट तो एक डीपी टेबल बनाते हैं और इस पूरी डीपी टेबल में माइनस वन भर देते हैं राइट जिससे कि हमारा चेक कराना इजी होगा कि अगर किसी किसी वैल्यू को हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं तो वहां पे वो वैल्यू होगी अदरवाइज एक वैल्यू पड़ी होगी विच इज माइनस वन राइट सो लेंथ आई प्लस प्लस हम पूरी टेबल को फिल करा लेते हैं एरेज डॉट फिल डीपी आई कॉमा माइनस वन हर एक रो में माइनस वन फिल कर दो जैसे ही माइनस वन फिल हुआ हमें ये पास कराना पड़ेगा तो हम आएंगे अपने फंक्शन में डीपी को डालेंगे और हम बोलेंगे कि ठीक है अब हमें डीपी टेबल भी फिल करनी है तो डीपी टेबल हमने यहाँ पास कर दी अब सबसे पहले बिफोर डूइंग एनी कैलकुलेशन हम यहाँ पे आके चेक कराएंगे कि अगर डीपी रो और प्रीवियस कॉलम ये वाली सेल माइनस वन के इक्वल नहीं है तो हम इसको रिटर्न कराएंगे वैल्यू को इस वाली वैल्यू को राइट right? इसका मतलब क्या है कि हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं टेबल में ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है तो इसको रिटर्न करा दो नहीं तो क्या करो जब आप वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तब उसको उसमें डाल दो एंड फाइनली यहाँ पे भी आप एक कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे भी डीपी पी एड करो राइट सो आई थिंक दिस शुड वर्क लेट्स ट्राई टू रन इट एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड इट इज सबमिटेड राइट सो आई होप यू अंडरस्टूड इट कि कैसे हमने पहले एक रिकर्सिव ट्री बनाया उस रिकर्सिव ट्री की हेल्प से हमने कोड लिखा ठीक है तो अगर आपने एक बार वो रिकर्सिव ट्री बना लिया है तो इट विल बी वेरी इजी टू राइट द कोड तो अगर आप देखो तो बहुत छोटा सा कोड है राइट बट क्वेश्चन इज ऑफ हार्ड लेवल राइट बट इट इज वेरी इजी वंस और इस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं तो एक बार करने के बाद ये वाले आई थिंक आप यहाँ सिमिलर क्वेश्चंस पे जा सकते हो और ट्राई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस राइट तो आई एम नॉट डिस्कसिंग अगेन आई एम नॉट डिस्कसिंग द टाइम एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस प्रॉब्लम यू शुड बी नोइंग कि आप कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की वॉट विल बी द स्पेस एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू